Assalamu alaikum. Welcome to the practical part of lecture 6. In lecture 6, we discussed about the constant and non-constant member functions and data members, also the constant objects. In this lecture, I am going to demonstrate all those concepts which we have studied in the previous lecture. So let me write the basic program first. Hash include iostream using namespace std, hash include string int main return 0. अच्छा, इस तरह करते हैं, एक क्लास लिख देते हैं. सो क्लास स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इंट एज. नाउ पब्लिक पार्ट ऑफ दिस क्लास स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट मी राइट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस स्टूडेंट. सो स्टूडेंट नॉर्मल कंस्ट्रक्टर पहले लिख देते हैं, फिर बाद में दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखेंगे. जो हमने न्यू सिंटैक्स पढ़ा था इन थ्योरी, वो भी प्रैक्टिकल देखेंगे. सो कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, इसलिए हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा. नाउ इस कंस्ट्रक्टर में हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक नेम के लिए और एक हम पास करेंगे एज के लिए. सो नेम विल बी इनिशियलाइज विद एन, और इसी तरह सॉरी एन इस तरह एज असाइन ए. दूसरा हम इसके साथ लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिट void set student. अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट की इन वैल्यूज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन के थ्रू हम इस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे, ठीक है. सो नेम असाइन एन और इसी तरह एज असाइन ए, इसी तरह void get student और सी आउट स्टूडेंट नेम नेम सी आउट स्टूडेंट एज एज. ओके, सो सेव द प्रोग्राम. नाउ लेट मी टेक एन अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, for example std. now std, अच्छा student std मैंने ले लिया, चूँकि इसके constructor में हमने दो arguments pass करने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक for example सईद student name 30 is the age. now std dot get student और फिर std dot sit student, means उसकी values को मैं change करना चाहता हूँ, for example अकबर, और यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 20, और उसके बाद फिर std dot get student, दोबारा इसको मैं गेट कर रहा हूँ. प्रोग्राम सेव कर ले, कंपाइल एंड रन कर ले, देख लेते हैं हमें क्या मिलता है. दिस इज़ नाउ नॉर्मल प्रोग्राम, हमने कोई कांस्टेंट वेरिएबल या कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किए. तो पहले कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते, तो उसको हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कॉन्स्टेंट बनाना है, कॉन्स्ट. अभी ये हमारे पास std constant object बन गया, तो ये जो function call है ये हमें error देगा, और ये भी error देगा, because this is non-constant. दोनों हमारे पास non-constant means normal objects है. इसको run करके देख लेते हैं, तो देखिए हमें error मिल रहा है. अभी अगर इस function को मैं constant बना दूँ, तो इसको constant किस तरह बनाएंगे? before the left brace यहाँ हम लिखेंगे const keyword. अभी यहाँ ये function मुझे error नहीं देगा, लेकिन ये वाला error देगा. तो देखिए हमें यहाँ अभी एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट लिख दूँ तो सॉरी फिर भी मुझे एरर मिलेगा. कॉन्स्ट क्यों एरर मिलेगा? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ तो कह रहा हूँ कि दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, लेकिन फंक्शन बॉडी के अंदर मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ. सो कंपाइलर विल नॉट अलाउ दीज टू स्टेटमेंट टू रन. देखिए अभी एरर मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है. तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए, तो मैंने इस स्टेटमेंट को रन नहीं करना है. तो देखें, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कांस्टेंट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ. अभी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, कोई एरर नहीं मिलेगा.
ठीक है। अच्छा यहाँ से मैंने कॉन्स्टेंट नहीं हटाया है, ये हटा देता हूँ ठीक है, क्योंकि ये एरर मुझे इस वजह से मिल रहा है कि यहाँ मैं फंक्शन कि हेडर में कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, और बॉडी में फिर इसके थ्रू मैं ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला रहा हूँ ठीक है। तो देखें स्टूडेंट नेम सईद एज 30 ठीक है, तो कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन ठीक। अभी कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन है, अभी इस तरह करते हैं कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट और कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये यहाँ नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो भी कोई एरर नहीं मिलेगा ठीक है, कोई एरर नहीं मिला ठीक। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना है, अच्छा आप कंसिडर करें हमारे पास एज जो है ये कॉन्स्टेंट है, तो हमने इसके साथ यहाँ कॉन्स्टेंट लगा दिया, ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है। जब हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया तो हम ये सेंटेक्स यूज़ नहीं कर सकते फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ठीक है, कंस्ट्रक्टर का ये सेंटेंस हम यूज़ नहीं कर सकते ठीक है। देख लेते हैं, देखिए हमें एरर मिल रहा है, कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और न्यू सेंटेंस लिख देते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। सो स्टूडेंट ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग एन एंड ए, इसके बाद कोलोन। अभी जिस ऑब्जेक्ट जिस डेटा मेंबर को हमने एन पास करना है वो डेटा मेंबर लिखते हैं, और इसके लिए जो पैरामीटर हमने यहाँ पर लिखा है वो पैरामीटर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, कामा नेक्स्ट एज, इसके लिए जो हमने पैरामीटर पास किए हैं वो कामा नेक्स्ट कामा नेक्स्ट, और लास्ट में हमारे पास बॉडी जो है वो एम्प्टी रहेगी बस। अभी अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन कर दूँ तो ये सक्सेसफुली रन होगा विदाउट एनी एरर। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ हमने ए को लिया है कांस्टेंट और इसमें फिर चेंज ला रही है, तो इसलिए ये हमें एरर दे रहा है ठीक। कंपाइलर ये अलाउ नहीं करता, तो इसलिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, तो अभी कोई एरर हमें नहीं मिलेगा सईद और एच 30 ठीक है। तो ये सब कुछ था जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था अबाउट कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट डेटा मेंबर्स। इसमें तीन चार बातें हैं इंपॉर्टेंट, एक ये कि कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नॉन कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट वो मीन्स कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट ना हो तो इसके थ्रू आप कॉन्स्टेंट नॉन कॉन्स्टेंट दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा मेंबर कॉन्स्टेंट हो जिस तरह यहाँ पर एज है, तो आप फिर नॉर्मल सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते फॉर कंस्ट्रक्टर, आपने मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ करना होगा जो कि ये सेंटेंस है ठीक है। और जब आपने किसी डेटा मेंबर को कॉन्स्टेंट ले लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते फिर किसी भी जगह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये कोड आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक गिवन है, वहाँ से आप कोड को और लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।